हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक DIY वाला पेंटिंग जो कि मैंने बनाया है ये दो कार्डबोर्ड को यूज करके। ये जो कार्डबोर्ड है मेरा वॉल क्लब के साथ आया था, तो ये कार्डबोर्ड को मैं आज यूज करने वाली हूँ पेंटिंग के हिसाब से। यहाँ पर मैं पेंटिंग करने के लिए कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कार्डबोर्ड के ऊपर कैनवास पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा फिनिशिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट यहाँ पर मेरे पास वेस्ट कार्डबोर्ड था तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। कलर करने के लिए मैं यहाँ पर लिया है एक्रिलिक कलर, उसमें से थोड़ा सा 2-4 बूंदे में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रश का साइज़ था थोड़ा सा मोटा वाला था। और आप हमेशा ट्राई कीजिए मोटे वाले ब्रश में से ही अच्छे से इसको अच्छे से कवर करके पेंटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से ये कलर को चूज किया है और अच्छे से इसको पेंट कर दूंगी। आप चाहे तो आप कोई भी कलर यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो कलर का ही यूज किया है, एक है ये थोड़ा सा ब्लू कलर और दूसरा है वाइट कलर। तो ये जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा इजी है और विद इन आप हाफ एन आवर से 45 मिनट्स के अंदर उसको अच्छे से बना सकते हैं। और लगाने के बाद जो वॉल का लुक है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है और भी लुक जो है वॉल का बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। तो इस तरह से मैं ये पूरा सीट को जो है अच्छे से पेंट कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कार्डबोर्ड को मैंने अच्छे से पेंट कर लिया है और उसको सूखने के लिए आप 10-15 मिनट्स के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से सजा के रखा है, जिस तरह से मुझको वॉल पे हैंग करना है उसी हिसाब से मैंने पहले सजा के रखा है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ही ब्रश की मदद से व्हाइट कलर लेके ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पेन या पेंसिल से पहले ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद कलर कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रश की मदद से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने 3 यहाँ पर छोटे छोटे पेटल्स बनाया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 बड़े वाले पेटल्स बनाऊंगी। ये इस तरह से जो बड़े वाले पेटल्स है बहुत सुंदर सा लगता है। पहले मैं उसको ड्रॉ कर लूँगी और मीडियम साइज का जो ब्रश से उसके बाद में फिल कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद मैंने फिर से छोटे छोटे करके पेटल्स यहाँ पर बनाया है। बस इतना ही, ये जो ड्राइंग है इतना ही है। तो ये कोने में मैंने इस तरह से बनाया है, इस तरह से करके मैंने 4 बनाऊंगी।
अभी यहाँ पर बना रही हूँ लास्ट डिजाइन भी सेम ही है। तो ये जो सारे पेटल्स मैंने बनाया है ये 3 लेयर में बनाया है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने उसको ज़्यादा सोचा था बनाने के लिए, बट ये सीट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 3 लेयर में ही ड्रॉइंग किया है। आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं या एक साइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पेंटिंग हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। व्हाइट कलर के साथ जो मेरा पेटल्स मैंने बनाया था उसके बाद मैंने सूखने के लिए उसको छोड़ दिया था और फिर मैं एक कोट यहाँ पर व्हाइट कलर का लगा दिया है। तो ये जो कलर है वो बहुत सुंदर सा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं। इसी हिसाब से आप कोई भी 2 कलर के साथ ये पेंटिंग को ड्रा कर सकते हो। घर में इसको ज़रूर ट्राई करना और वॉल के साथ लगाने के बाद बहुत सुंदर सा ये लगता है। तो अगर आप मेरा ये पेंटिंग ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम में मेरे साथ पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।